आजर यह भिडियो आम देखा प्रॉफिट लॉस रो क्वेश्चन को जोटा कि आपण मानक ओ ट्रिपल एस सी एग्जाम रे बहुत हेल्प कर मोर पूर्व भिडियो गुड़ाक जदि आप देखी ना तो आपण मैंने चैनल को जाकि मो पूर्व भिडियो गुड़ाक देखी नियंतु जोटा कि आपण मानक ओ ट्रिपल एस सी एग्जाम बहुत हेल्पफुल तमाने हेबो। तो जदि आप मोर पूर्व भिडियो गुड़ाक देखी जदि आप भल लगी भिडियोटी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने तो चलतु देखा ये भिडियो कौ कौ प्रश्न गुड़ाक अच्छी। तो प्रथम कौन कौन ना गोटे बिछणा को 72 टंकारे बिकिबार 4% क्षति है केते टंकारे बिकिथिले 12% लाभ होता। तो एठारे कौन कहे ना एठारे प्रथम से 4% क्षति सही 4% क्षति सही पर कौन ना ताकू 12% लाभ से मैंने बिक्री करने से चाहूँगी। तो प्रथम देखने नवा क्वेश्चन हिसाब से कौन कहे प्रथम मुझे लिखीदेवी ये सीपी आउ एसपी। तो आमको एसपी अलरेडी दे दीजिए तमाने सीपी रो अर्थ होची कॉस्ट प्राइस तमाने क्रय मूल्य आ एसपी रो अर्थ होची सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ठीक अच्छे। तो आमको कौन दी एसपी केते दी ऑलरेडी 72 दे दी 72 ऑलरेडी दे दी तो से कौन 72 से बिक्री कला से तार कौन है 4% क्षति है। तो 4% तमाने फ्रैक्शन वैल्यू केते ही ना 4% फ्रैक्शन वैल्यू हो 1/25 हो 4% फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ केमती है ना प्रतिशत आम हटिजी तो तले 100 आसीज तमाने 4×4 4×125 कटिज ठीक अच्छे तमाने 1/25 हो 4% फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ आपपारे मुझे सब भिडियो कहूँ। तो ठीक अच्छे तमाने से क्षति सही तमाने 25/1 तमाने के बिक्री करें यहाँ हो लस होटा हो सीपी तमाने 25/25 आउ 1 तमाने एसपी तमाने 25/1 क्षति तमाने से 24 बिक्री करें 24 हो तार सेलिंग प्राइस एसपी हो ठीक अच्छे। तो आम बाहर कर 24 से बिक्री करें कि तो क्वेश्चन कहे ना कहते ना 72 से बिक्री कर 24 रहा के गुणा 24 रहा के गुणा हो 72 तमाने 24 रहा के गुणा हो ना 3 गुणा हो। तो से हीपर ये 25 तमाने 25 हूँ कौन आम कॉस्ट प्राइस हूँ 25 तो 25 कौन हो 3 गुणा हो 25 3 गुणा हो तो 3 गुणा कल के 75 हो तार कॉस्ट प्राइस के 75 कॉस्ट प्राइस। तो मुझे सफा कर दूसरी बोर्ड टाक तो कौन कहे ना क्वेश्चन कहे आमको तापर कौन कहे क्वेश्चन से केते टंकारे बिकिथिले 12% लाभ होता तमाने डायरेक्ट तमाने तार ए 75 तमाने 12% लाभ तमाने से 112% बिकव तेब तो जैकि तार बिक्री मूल्य बाहर आक 12% लाभ हे। तो आमको क्वेश्चन टी से बिक्री मूल्य पचारि तमाने बिक्री मूल्य के पचारि तो तमाने 12 लाभ तमाने 112 तमाने लाभ 100 कौन सीपी तमाने क्रय मूल्य तार 12% लाभ हो तो से के 112 ही बिक्री कर तेब तो जैकि तार तमाने बिक्री मूल्य बाहर। तो चलतु यटार तमाने 75 आम कौन करदे ना 75 आम 112% बाहर करने 75 के बाहर करने 112% ये अच्छे 100% घुंची जीव तले 140 आस ठीक अच्छे 25 यहाँ 3 जीव 25 यहाँ 4 जीव ठीक अच्छे यहाँ 4 कटिज 4×8 आ 32 तमाने 4×8 32 तमाने 28 यहाँ के 28 84 होने से 84 टंकर से जो बिक्री करता 12% लाभ होता तमाने 84 होगा तार बिक्री मूल्य ऑप्शन नंबर ए होगा आपको करेक्ट आंसर। आशा करूँ क्वेश्चन टी भल भाव में बुझीपारी तो चलतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे देखने तो ये क्वेश्चन कहे ना कौन प्रशंसा 200 टंका मूल्यर एक बही को 20% लाभ में संगीता को बिकला संगीता ताक 10% क्षति में शुभश्री को बिकिदेला शुभश्री केते टंकारे से बही टी किनी तमें ये गोटे बही को प्रथम कौन प्रशंसा किणला एन टी क्यारेक्टर अच्छा प्रशंसा को प्र डिनोट करुच्चे संगीता संगीता को सरे मुझे डिनोट करदेपर कौन होना से कौन शुभश्री को तमें शुभश्री को सुरे मुझे डिनोट करदे ठीक अच्छे।
ठीक अच्छे तो यहाँ कौन हो से प्रथम 200 टाँह देकर प्रशंसा से बहीट किणी आनी प्रशंसार तमाना कस्ट प्राइस के मैंने क्रय मूल्य 200 टाँह से बही को 20 प्रतिशत लाभ से संगीता को बिकी 20 प्रतिशत लाभ से बिकी तमें से कैसे 120 से बिक्री कर ठीक अच्छे तमें 20 प्रतिशत मुझे फ्रैक्शन यू फ्रैक्शन सल्व करने सुविधा हे फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हम 1/5 ना कमी हम प्रतिशत हटिव तले 140 आसो शून रु शून कटिजी 2 × 1 = 2 × 5 = 10 तमें 1/5 कैसे ना 5 हो तमें तार 20 प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू तो फ्रैक्शन में ही यहाँ सॉल्व करी तो तापर कौन कही से बिक्री कर 20 प्रतिशत बिक्री कर 5 रे गोटर लाभ तो तलटा होटा हो सीपी होटा हो लाभ आ 5 रे गोटर लाभ तमें 6 से बिक्री कर 6 से बिक्री कर बिक्री कर संगीता को तो ये कौन देखिए कॉस्ट प्राइसटा के कॉस्ट प्राइसटा 200 दीचे यहाँ हो कॉस्ट प्राइस यहाँ हो सेलिंग प्राइस ठीक अच्छे तो कॉस्ट प्राइस के 200 कितु आम बाहर करते 5 तो यार के गुणा तमें यार 205 रहा के गुणा तो यार होते 40 गुणा तमें 5 रे जदि आम 40 गुणा करदे 200 बाहर तो से हीपर ये 6 आम कौन करदे सेलिंग प्राइस कौन करदे 6 कौन करदे 40 रो गुणा करदे तो कैसे हे 6×24 तमें 240 हो 240 हो संगी तार कॉस्ट प्राइस होने यहाँ तो मैंने प्रशंसार तमें सेलिंग प्राइस थिला किंतु से ताहा को बिक्री कर देला तेबे तार प्रसंग संगीत तार 240 क्रय कॉस्ट प्राइस है जीवो सेलिंग प्राइस रु एटा प्रशंसार सेलिंग प्राइस किंतु एटा बनि जीवो संगीत तार ता माने कॉस्ट प्राइस 240 ठीक अछि तो मु एटा को काटिछि काटिक लिखी दूटिक सफा कर दूसरी कौन करापर संगीता ताकि 10% क्षति में शुभांशी को बिकीदेला 10% क्षतिर फ्रैक्शन वैल्यू के 10% तमाने क्षति के 1/5 लिखा तमें कमी है ना प्रतिशत हटिव तले 140 आसो शून रु शून कटिव 1/5 होटा कमन जिनसटे ये आपको मन रखा पड़ो ठीक अच्छे तो क्षति होने 5/1 क्षति तमें 5/1 क्षति 5/1 क्षति के 4 से बिक्री कर 4 से कौन कौन ना बिक्री करा कौन कह 10% क्षति से शुभांशी को बिक्री कला हाँ हाँ सॉरी सॉरी मुझ 10% 1/10 हम यहाँ सॉरी 1/10 हम 1/5 मुझे 1/10 हम ठीक अच्छे तो 10 रे तमें क्रय मूल्य तार सीपी हो 10 किंतु से गोटर क्षति होने से 9 से बिक्री करूँ एठार कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस देते ना यहाँ अच्छे कॉस्ट प्राइस के 240 तो यार के गुणा तमें यार 24 गुणा 24 गुणा तमें 10 24 को गुणा करवा तेज 240 हे तो सही यहाँ यहाँ तार सेलिंग प्राइस नौ जोटा अच्छे तार सेलिंग प्राइस से सेलिंग के शुभांशु के बिक्री कर 9 बिक्री कर 9 नुहे तार 24 गुणा 9 के 24 गुणा तो 9×24 करदे के 216 तार 216 टंकारे से संगीता से कहा को बिकी शुभश्री को 216 टंकारे से बिक्री कर देछि तो ठीक अच्छे यहाँ मुझे काटि दूची एवं आमको कौन पचारि सिंपल शुभश्री केते टंकारे से बहीटी को किणला तमाने शुभश्री ए शुभश्री केते टंकारे ताको 216 टंका देकी से किणला संगीतारु संगीतारु से 216 टंका देकी किणला तो ऑप्शन नंबर कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर करेक्ट आंसर तो आशा करूछि ये क्वेश्चन टी आप बुझीपारी तो चलत तो देखने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हाँ तो ये क्वेश्चन कही कौन 11 एक प्रकार बहर किणा दाम से ही प्रकार 10 बही को बिकले शतकड़ा लाभ बा क्षति के हे तो यहाँ सिंपल यहाँ जमी कही सेमती लिखीदे 11 तमें कौन कही 11 किणा तमें 11 एक प्रकार बहर किणा दाम तमें सीपी क्रय मूल्य तो यहाँ बराबर अटे कहार 10 से ही बहर बिक्री मूल्य तमें बिक्री मूल्य तमें एसपी सहित तो बराबर अटे यहाँ किसी ना एवं आम सल्व करने सीपी आउ एसपी तमें मझारे जो इक्वाल टू चिन्ह थी तमें यटार भैल्यू कौन हो 10 हो और एसपी रैल्यू के 11 हो सीपी के सीपी 10 आउ 11 एसपी के 11 तमें ये कौन हो
ये आमको कौन पचारे शतकड़ा लाभ बा क्षति के मैंने दस रे से किणिकी तमें से एगार बिक्री कर दस रे एक लाभ ठीक अच्छे प्रतिशत पर कौन देदे ना शहे देदे तो शून रु शून कटिजी तमें यहाँ हो 10% तार लाभ हो तो के 10% लाभ तो ऑप्शन नंबर से ही आपंकर करेक्ट आंसर आशा कर क्वेश्चन टी बुझीपारी तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन देखने हाँ ये क्वेश्चन कौच ना कौन एक विद्यांशु एक स्कूटर 750 टंकारे किनी यहाँ मरामती रे 500 टंका खर्च कले 12% क्षति रे श्रीकांत को बिक्री करी से टंका क्षति सहिले तमाने से केते रो तमाने से क्षति सहिले तमाने से श्रीकांत को बिक्री करी तो एटारे कौन हो प्रथम से कौन कहते ना 750 टंकारे गोटे स्कूटर किणी आनले सेकेंड हैंड स्कूटर हो तो से मरामती करने 750 टंका रे से गोटे स्कूटर किणी आनी ताकि मरामती 500 टंका खर्च कले तो प्रथम सीपी रे तो से केते करदेना 750 दे किणी आनीले पर कि तार सजाड़ापे 500 टंका से हाथ पुणी दे 500 टंका खर्च कर तो ये कौन करवा 750 आम कौन करवा 750 रे सॉरी यहाँ 750 नुह 7000 यहाँ 7500 हम यहाँ 7500 हम यहाँ 750 नुह ये आउ गोटे जीरो लगे ठीक अच्छे 7500 हो कौन ना क्रय मूल्य स्कूटर टीर 7500 ठीक अच्छे 750 नुह 7500 आउ गोटे जीरो देदेवे तमाने ये मैंने 750 आउ गोटे जीरो देदेवे के 7500 हो ठीक अच्छे तापर कौन कहे ना 500 टंका खर्च कले हाथ रू से पुणी 500 टंका खर्च कले यहाँ जोड़ीदे सीपी टू हो मैंने से प्रथम तमें 750 किणी आनी 500 टंका हाथ रू खर्च कले मैंने यहाँ जोड़ीजी तमें शून शून पाँच दस रून सात के आठ तमें 8000 टोटाल सीपी हो टोटाल से हाथ रू के 8000 टंका से स्कूटर किणवे तमाने 8000 टंका हाथ रू जा ठीक अच्छे टोटाल सीपी हो 8000 टंका क्रय मूल्य 8000 टंका हो ठीक अच्छे एटारे मुझे लिखिदे क्रय मूल्य के 8000 सीपी के 8000 हो 8000 ठीक अच्छे तापर कौन कहते ना तापर क्वेश्चन कौन कहे यहाँ 12% क्षति से श्रीकांत को बिक्री करी से टंका क्षति सहिले तमें क्षति तमें के टकर से क्षति तमें क्षति हैला से क्वेश्चन आमको पचारे क्वेश्चन तो 12% फ्रैक्शन वैल्यू कौन ना 12% फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 हे 12% फ्रैक्शन वैल्यू ना कमी है प्रतिशत हटिज ते 100 यहाँ 4 3 थर जी 4 के 25 थर जी ना 3/25 हो तो यहाँ कमन जिनटे आपने करेंगे जो थी फ्रैक्शन वैल्यू आपको मन रखा पड़ो जिते भी इंपोर्टाट अच्छे कि जो इंपोर्टाट ना से कमी होता जाणी आप्लाय करेंगे ठीक अच्छे तो यहाँ हो कौन ना 25 होने यटार सीपी हो क्षति होन तमें लस होन आते यहाँ के बिक्री करेंगे तमें 25 तमें 3 क्षति हो 25 क्षति तमें से 22 बिक्री करेंगे 22 एसपी तो एठार आमको कौन देठार आमको देना सीपी आमको देते सीपी आमको देना 8000 8000 दे सीपी आमको 8000 दे तो मैंने यटार के गुणा 25 यटार के गुणा 25 यटार 320 गुणा 320 गुणा तो से ही भली आमको सेलिंग प्राइस पचारि ना आमको सेलिंग प्राइस पचारि ना से श्रीकांत से क्षति रे श्रीकांत बिक्री करी से टंका क्षति सहिले तमें क्षति आमको केते टंका से क्षति सहिले से पचारिचे लॉस को आमको पचारिचे तो मैंने लॉस मध्य हमर केते हिजो ना लॉस मध्य हमर 320 गुणा हे जीव लॉस तमें 3 × 300 तमें 3 × 3 को इंटू करदा 320 रे ताने केते हिजो ना एटा 960 हिजो हमर करेक्ट आंसर तो बुझीपारिथे क्वेश्चन टाक मुझे बेसिक्रे यहाँ बुझेगी तो 960 होटार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो यार ऑप्शन होते ऑप्शन नंबर से ही आप करेक्ट आंसर 960 हे ठीक अच्छे 960 करेक्ट आंसर तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे देखने तो ये क्वेश्चन कौन कहे ना जड़े पर दुकानी दुई प्रकार काकुड़ी क्विंटल 500 और 400 टकर उभय को सम परिमाण मिसाई किलोग्राम प्रति केत बिक्री कले 25% लाभ हे तमें यू
एटाक मुझ आपको बेसिक रे पूरा बेसिक रे बुझेबी जोटा आप भल भाव बुझीपारे तो से कौन कहना से जड़े परिवार दुई परिवार दुकानी दुई प्रकार काकुड़ी क्विंटाल पाँच सौ और क्विंटाल चार सौ टंकारे किनी 500 और 400 टंका रे किनी तामने दुई दुई तामने से केते दुई क्विंटल से किनी चंती प्रथम क्विंटल केते 500 टंका रे और द्वितीय क्विंटल केते 400 टंका रे से किनी आनी चंती ठीक अछि। तो तांकर सीपी केते हिजो तांकर सीपी केते हबो एटा को जोड़ी दवा 500 आउ केते 400 तो एटा केते हिजो एटा 900 हिजो तामने 900 हिजो तांकर कोन कॉस्ट प्राइस हिजो कॉस्ट प्राइस केते हिजो ना 900 हिजो तामने क्रय मूल्य हिजो एठार तांकर केते क्रय मूल्य हिजो 900 टंका। तो ठीक अछि एठार मु लिखि दुछि सीपी केते हिजो 900 टंका ठीक अछि। तो से उभय को सम परिमाण मिसाई किलोग्राम प्रति केते बिक्री कले तांकर 25% तमन लाभ हबो तमन एठार 25% रो फ्रैक्शन वैल्यूटा केते 25% रो फ्रैक्शन वैल्यू हबो 1/4 ना केमिति हबो प्रतिशत हटि जइबो तळे 100 आसिबो 25 एक 25 25 जो तमन 1/4 हबो 25% रो फ्रैक्शन वैल्यू ठीक अछि। तो तापर कौन कहना एटे कहीना बिक्री कले 25% लाभ हे किलोग्राम प्रति से कही। तो आम एटा देखना एटार तो आम ऑलरेडी कौन सीपी अच्छी केते अच्छी ना सीपी अच्छी 900 सीपी अच्छी 900 किंतु आमको कौन पचारी आम एटार बाहर करते चार बाहर करा के गुणा तमें 900 के गुणा 4 900 कते कारण एटा भी सीपी कॉस्ट प्राइस एटा आम फ्रैक्शन रेसिपी बाहर करछि किंतु एटार ओरिजिनल वैल्यूटी होछि 900 तो एटार केते गुणा हबो एटा 900 केते गुणा हबो एटार 225 त माने 225 गुणा हे जइबो 225 गुणा हे जइबो त माने 4 225 गुणा हे जइबो 900। तो ठीक अछि। तो सेही पर हमको कोन पचारी छि सेही पर हमको पचारी छि तार बिक्री क्विंटल प्रति केते रे से बिक्री करबे त माने 4 त माने 4 रे 1 रो त माने लाभ होछि त माने 4 रे 1 रो लाभ केते 5 पाँच रे से बिक्री करछंती तो एटार मध्य हम कौन करदेबा एटार मध्य 225 गुणा करदेबा ताहले 225 गुणा करदेले केते हेबो एटा 1125 आसीबो एटार तमाने सेलिंग प्राइस केते आसीबो 1125 आसीबो सेलिंग प्राइस केते आसीबो 1125 टंका आसीबो ठीक अछि। तो एटा को से किलोग्राम प्रति केते रे बिक्री करले तांर 25% लाभ हेबो तो आमको किछि नै 1125 को तमाने से दुई तमाने दुई क्विंटल रे आनीथिले दुई क्विंटल से किनी आनीथिले डिवाइड कर दवा 1125 को दुई क्विंटल रे तबे तांकर किलोग्राम प्रति से केते रे बिक्री करबे ठीक अछि। तो चलन तो देखि नेबा चलत देखि ना के बाहर सेलिंग प्राइस 1125 ताने 1125 को यही 1100 ताने 25 को आम कौन करवा ना से दुई क्विंटल ताने कौन 200 के जी दुई क्विंटल को आम 200 के जी लिखा तमें एक क्विंटल को 100 के जी दुई क्विंटल को 200 के जी लिखा ठीक अच्छे डिवाइड दे देदा 1125 दुई क्विंटल को ठीक अच्छे 200 के जी ठीक अच्छे तमें एटार पुणी कौन करवा डिवाइड दे देदा 200 रे तो एटार डिवाइड देदे कौन हम ना तो यहाँ के जीव एटार पाँच रे जीव पाँच चौ कोड़े शून पाँच दुणे दस पाँच पंचा 25 रे कटि जीव एटा पुणी जीव 5 अष्टा 40 एटा के जीव 5 चौ 20 5 पंचा 25 तो एटा केते हिजो 45 ता माने 45 डिवाइडेड बाय केते हिजो ना 8 एटा को हम केते लिखि परबा 5 + 5 डिवाइडेड बाय 8 एटा को हम लिखि परबा ठीक अछि। तो एटा हिजो एटार करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर केते हिजो ना ऑप्शन नंबर कोन हिजो ऑप्शन नंबर हिजो आपनकर बी हिजो करेक्ट आंसर ठीक अछि। ऑप्शन नंबर बी हबो बी हिजो एटार करेक्ट आंसर तो एठी रे जो ऑप्शन रे आपन को जो प्रतिशतटा दिसुची ऑप्शन रे एटा प्रतिशत ता माने हेबो ना एठी कोन होइजबो रुपीज होइजबो टंका होइजबो ठीक अछि। प्रतिशत जगह रे आपन कोन लिखि देबे रुपीज लिखि नेबे एटा टंका हेबो ठीक अछि एटा प्रतिशत हेबो ना ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर बी होइजबो आपनकर करेक्ट आंसर। तो चालन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन कहछि देखि नेबा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कही कौन जड़े दोकानी गोटे सार्ट को 20% लाभ रे बिक्री कला जदि से सार्ट को 10% कम रे किनी 75 टंका अधिक रे बिक्री करी थांते तबे तांकर 50% लाभ होता तबे सार्ट रो क्रय मूल्य निर्णय कर तमें ये कौन कहना आम मान नवा सीपी को आम के मान नवा सीपी को आम 100 मान नवा
ठीक अच्छे सीपी को आम हंड्रेड माना सीपी माने क्रय मूल्य ताने सेलिंग कॉस्ट प्राइस ठीक अच्छे तो से प्रथम कौन कह कोड़े प्रतिशत लाभ में बिक्री कला तमें से लिखे दूसरी आम हंड्रेड मान के ठीक अच्छे कोड़े प्रतिशत से लाभ में प्रथम से कौन कर बिक्री करे तमें सीपी आम के मानचे सीपी आम मानचे हंड्रेड मानचे तो कोड़े प्रतिशत लाभ में तमें शहे कोड़े से प्रथम बिक्री करपर कौन कर साठ को दस परसेंट कम रे किनी दस परसेंट कम रे किनी माने हंड्रेड रे दस परसेंट कम के नबे नबे ठीक अच्छे टंकारे किनी पंचस्तर टंका अधिक बिक्री करते तेज तांकर पचास प्रतिशत लाभ होता ये पचास प्रतिशत लाभ कौन कहे ना ये नबे ही हम कौन पचास प्रतिशत लाभ ठीक अच्छे नबे फिफ्टी परसेंट आम काल टाइम के हम ना नबे फिफ्टी परसेंट प्रतिशत हटिज तले शहे आसीजा दीरे जाटा के पैंचाश होने नबे आम पैंचाश जोड़ीद तेज कौन हेना पचास प्रतिशत लाभ हे तो ठीक अच्छे मुझे नबे नबे के पैंचाश जोड़ी दूसरी नबे जो पैंचाश जोड़ीदे शहे पैंतीस हो ठीक अच्छे नबे आम कौन करवा नबे आम पचास ताने पैंचाश जोड़ीद नबे प्लस पैंचाश जोड़ीद ताहले केते हेबो शहे पैंतीस हो ताने पचास प्रतिशत लाभ रे ताने से बिक्री करते के शहे पैंतीस से बिक्री करते तो ठीक अच्छे तो चलते देखी नाता नबे फिफ्टी प्रतिशत शहे पैंतीस तो यटा को कौन कही यू से पंचस्तर टंका अधिक मूल्य बिक्री करते मैंने देखा यठार गैप के शहे कोड़े आहे पैंतीस गैप टे के पंद्रह अच्छी तो ये पंद्रह प्रतिशतर तमें भैल्यूटी आमको के पंद्रह प्रतिशतर भैल्यूटी आमको के पंचस्तरी दे ठीक अच्छे पंद्रह प्रतिशत भैल्यू पंचस्तरी देखिए आमको कौन पचार क्रय मूल्य को आम कौन मानि था क्रय मूल्य को आम हंड्रेड परसेंट मानि था तो आम ये पंचस्तरी परसेंटर तमें रियल भैल्यूटी के पंद्रह परसेंटर रियल भैल्यूटी के पंचस्तरी तो ये पंचाने पंद्रह परसेंट ही आम कौन करवा सीपी को जी ना पंद्रह परसेंट को एमती सीपी को जाना पंद्रह परसेंट आम डायरेक्ट ताको कौन करवा हंड्रेड परसेंट कनवर्ट करदे तमें यहाँ के पंद्रह पंद्रह पंचा पंचस्तरी तमें वन परसेंट रैल्यू के ना वन परसेंट रैल्यू पाँच हो गला ठीक अच्छे वन परसेंट रैल्यू के पाँच हो गला तमें हंड्रेड परसेंट रैल्यू आमको काड़बार अच्छी तो यहाँ मुझे काटिदे यहाँ काटि दूसरी वन परसेंट रैल्यू आमको के पाँच देती तमें हंड्रेड परसेंट काड़ापी ये कौन करवा ये आम हंड्रेड गुणा करदे ये हंड्रेड गुणा करदे तमें के हंड्रेड परसेंट इक्वाल टू के पाँचशह होमर करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर के होर करेक्ट आंसर तो आशा करुच्ची आप क्वेश्चन टी भल भाव में बुझीपारे तो चलत नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह देखने ये क्वेश्चन सात नंबर क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन कौन कह जड़े दोकानी गोटे बिछणा चदर को 640 टंका बिक्री करी 28 प्रतिशत लाभ कला चदर टीर क्रय मूल्य निर्णय कर यहाँ चदर ठीक अच्छे तो जड़े दोकानी गोटे बिछणा चदर को 640 टंका बिक्री करी 28 प्रतिशत लाभ कला तमें मुझे पूर्व क्वेश्चन भाई मुझे सीपीएसपी लिखिकी मुझे फ्रैक्शन हिं सल्व करदेवि तो ये कौन सीपी एसपी आमको एसपी ऑलरेडी दे देती एसपी के ना 640 देती एसपी माने हूँ सेलिंग प्राइस सीपी माने हूँ कॉस्ट प्राइस ठीक अच्छे तो ये 28 प्रतिशत लाभ कला 28 प्रतिशत तमें फ्रैक्शन वैल्यू केमती हम 28 प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू हो सात डिवाइडेड बाय 25 ना केमती है यहाँ प्रतिशत हटिज तले शहे आसो ठीक अच्छे तो यहाँ के हेना चार सता अठाई चार यहाँ पचीस पचीस शहे कटिज ठीक अच्छे से सात डिवाइडेड बाय 25 तो यहाँ मुझे सफा करदे तो एठर आम कौन जान लें तलटा होते सीपी होपरटा के मैंने लाभ हो मैंने पचीस सतर लाभ तमें पचीस सतर लाभ तमें बतीस बिक्री कर बतीस तमें सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य तो ये आमको बतीस बिक्री करें बाहर करोश्चि कहे ना 640 से बिक्री करटार के गुणा तार यार कोड़े गुणा ठीक अच्छे तो से यार कौन हो कोड़े गुणा होटार मध्य कोड़े गुणा हो पचीस दुनिया के पचास तमें पाँचशह होटार कॉस्ट प्राइस तो ठीक अच्छे आपण मैंने आम कौन बाहर करें पाँच यटार
तमाना कॉस्ट प्राइस बाहर कले तमाना 14 टीर क्रय मूल्य निर्णय करो तमाना आमको किछि पचार नै ए क्रय मूल्य एटा एटा ही पचारिछि तमाना एटा बाहर कर देले ऑलरेडी केते ना 500 तो ऑप्शन नंबर ए हिजो हमर करेक्ट आंसर। तो आशा करछि क्वेश्चन टी आपन माने बुझी पारथिबे। तो चलन तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कोछि देखि नाबा। एक क्वेश्चन कोई ना तीनोटी लेंबूर किणा दाम दुईटी लेंबूर बिक्री दाम सह समान हेले शतकड़ा लाभ केते हेबो। किछि नाय क्वेश्चन जेमती कोई सेमती लिखि देबा। तीनटी लेंबूर किणा दाम माने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दुईटी लेंबूर बिक्री दाम सह समान तमाने दुईटी लेंबूर बिक्री दाम ना एसपी तमाने बिक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो एटा किछि नाय एबे सॉल्व कर नबा। सीपी रो वैल्यू होइ जइबो एटा ता आउ एसपी रो वैल्यू होइ जइबो एटा कारण मझारे इक्वल टू रो चिन्ह थले एमती एका होय। तो सीपी डिवाइडेड बाय एसपी कर दबा। सीपी केते हेबो 2 होइ जइबो एसपी केते हेबो 3 होइ जइबो। ठीक अछि मु ए उपरटा टिक सफा कर दउछि। तापर एथिरु आम कौन कह ता लाभ तमाने के प्रतिशत हम लाभ एथिरु आम काढ़ तमाने दीरे एक रो लाभ तमाने सीपी रे ही आम लाभ व क्षति प्रतिशत बाहर करें दीरे के हम एक रो लाभ प्रतिशत पाए 100 तमाने दीरे एटा के 50 जीव तमाने 50% हो करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। तो आशा कर क्वेश्चन टी आप भल भाव बुझी पारे। तो चलते जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे देखी ना। तो ये क्वेश्चन कोई ना कौन चार टंकार पाँच टी कमला किणी पाँच टंकार चार टी कमला कमला विक्रय कले शतकड़ा लाभ केते हेबो तमाने एटा आमे क्वांटिटी आउ रूपीज मानिक एटा को नबा आउ एटा तमाने पूरा बेसिक रे एटा को सॉल्व करबा। तो आपण भल भाव बुझी पारथिबे। तो मुझे गोटे पटे कौन लिखिदेवि ना गोटे पटे लिखिदेवि क्वांटिटी आउ गोटे पटे कौन लिखिदेवि ना रूपीज लिखिदेवि। ठीक अछि। तो से चार टंका रे तमाने जोटी क्वांटिटी जगह रे क्वांटिटी लिखिदेवि आउ जति टंका जगह रे रूपीज जगह रे मु बले से जेते टंका रे किनिछि से टंका को मु लिखिदेवि। तमाने चार टंका को चार रे लिखिदेवि तमाने रूपीज रे रूपीज तले चार लिखिदेवि। पाँच टी कमला किणिले तो पाँच टंकार चार कमला विक्रय कली पाँच टंकार रूपीज जगह पाँच लिखिदेवि। पाँच टंकार चार कमला तमाने क्वांटिटी जगह चार लिखिदेली। ठीक अच्छे। शतकड़ा केते लाभ बा क्षति है तमाने एटा कौन होटा हो सीपी सीपी तमाने कॉस्ट प्राइस एटा हो कौन एसपी एसपी तमाने सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य। ठीक अच्छे। तमाने जिते बिल से पाँच टी तमाने कमला को चार टंका रे से किणला तमाने गोटे कमलार तार क्रय मूल्य केते पड़ो गोटे कमलार क्रय मूल्य पड़ो 4/5। तो सही भली सेते बले चार तमाने चार टी कमला को पाँच टंका दे से बिक्री कला तमाने गोटे गोटे कमला को से केते रे बिक्री करथिबो ना गोटे कमला को से बिक्री करथिबो के ना 5/4 से बिक्री करथिबो। तो ताहले एठी आमे देखि नेबा एठी आमे क्वांटिटी मान नेबा तमाने ओडे क्वांटिटी मान नेबा तमाने एठी अछि केते 5 अछि एठी अछि 4 अछि 5 आ 4 रो एलसीएम नै जिबा 5 आ 4 रो एलसीएम केते हे जिवो ना 20 हे जिवो। तो एठी गुटे आमे क्वांटिटी मान के चल लेजी से 20 क्वांटिटी रो किसी 20 यूनिट रो किसी गोटे तमाने कमला किनी से 20 यूनिट रो कमला को ही से तमाने बिक्री करिबो। तो 20 को आम तमाने क्वांटिटी इमाजिनेसन गोटे नहींचे तमाने एलसीएम नहीं कि तमाने क्वांटिटी मानी। ठीक अच्छे। तो यटार आम कौन काटिद ना 5/20 होटार के 4/5 हो तमाने 4/4 16 हो तार तमाने क्रय मूल्य। तो यटार हो 5 हो 5/25 हो तार तमाने सेलिंग प्राइस हो 25। तो ये कौन हो 16/25 तमाने यार 16/25 मध्य तमाने तार लाभ हो 16 किणिक से 25 बिक्री करुच्ची तमाने के लाभ हो 9 तार एटे लाभ हो तमाने 16 के 9 लाभ हो। ठीक अच्छे। 16/9 लाभ हो प्रतिशत के 100 देदे। ठीक अच्छे। यटा को जदि आम सल्व करना तो मुझे सैड काटी दूची सफा करुची एटा को जदि आमे सॉल्व करबा एटा को जदि आमे सॉल्व कर दबा ताहले केते हबो एटा को सॉल्व कले हि जिवो एटा केते 2/5/4 हि जिवो। पुनी एटा को जदि आमे सॉल्व करबा ताहले केते हबो एटा को जदि पुनी आमे सॉल्व करबा ताहले एटा 56+ हि जिवो 1/4% हि जिवो एटार करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हि जिवो एटार करेक्ट आंसर। तो एटा को आपन माने सॉल्व करी देखिबे। ठीक अछि। सॉल्व करके देखिए एति के का हबो। ठीक अच्छे। तो चलन तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कोची देखि नबा। तो ए क्वेश्चन कौन कोची ना लेंबू 150 टंका ओ 80 टंका हिसाब रे दुई प्रकार लेंबू सम परिमाण रे किणी
पांचटी लेंबू को तीन टंका हिसाब से बिकिले शतकड़ा केते लाभ बा क्षति हेबो तमन एटा को मध्य पूर्व क्वेश्चन भलिया करबा एटा क्वांटिटी क्वांटिटी आउ कोनो ना क्वांटिटी आउ रुपीज मोटी लिखि देबी क्वांटिटी आउ रुपीज क्वांटिटी रे क्वांटिटी लिखि देबा क्वांटिटी तले क्वांटिटी लिखि देबा रुपीज तले ते केते टंका रे तमन किनिची ना बिकिची सेटा लिखि देबा तने लेंबू 100 तमन एटा 100 तमन शहेटी लेंबू को सू के पचास टकर कि अशी टाँह हिसाब से दुई प्रकार लेंबू सम परिमाण कि पचास तमें गोटे के पचास टकर कि गोटे को अशी टकर कि यहाँ शहेटी लेंबू को सी अशी टकर कि यहाँ सीपी वन यहाँ सीपी के टू ठीक अच्छे मैंने कि पाँचटी लेंबू को तीन टाँह हिसाब से बिकिले तमें पाँचटी लेंबू को कौन हो एसपी पाँचटी लेंबू को पाँचटी लेंबू को तीन तीन टंका हिसाब रे बिकिले तमें पाँच हो तार पाँच हो तार क्वांटिटी आउ तीन हो तमाने सेलिंग प्राइस ठीक अच्छे तो एठार आम देखनेठार आम देखने ये दुईटा सीपी अच्छे आ गोटे तमें एसपी अच्छी ठीक अच्छे तमाने यहाँ देखने से जिते बड़े शहे तमें शहेटी लेंबू को से पचास टकर किणिली तमें गोटे लेंबू को कते टकर गोटे लेंबू को कि पचास डिवाइडेड बाय शहे तो से ही बोली से जिते बिले शहेटी लेंबू को अशी टकर तमें सेकेंड फेज रे तमें से गोटे लेंबू को केते रे से किए गोटे लेंबू को कि अशी डिवाइडेड बाय शहे तो से ही भली इटा को जो जिते बिले पाँचटी लेंबू को से तीन टकर बिकिले तमें गोटे लेंबू को से कते बिकि थे गोटे लेंबू को बिकि थे थ्री डिवाइडेड बाय फाइव दिए तो आम एटी कौन करना ये आम गोटे तमें क्वांटिटी मानिकी ना तमें एमती गोटे क्वांटिटी ना जोटा कि आपणकर कौन हो पारना ये जो प्रथम फेज्रे जो किटा शहे आ जो सेकेंड फेज जो तलटा जो शहे आउ पाँच तमें गोटे यूनिक भैल्यूटे पार जोटा कि आम तार क्वांटिटी मानिकी चलवा तो एटीर कौन हो शहे आउ शहे आउ पाँच एलसीएम नहींजी तमें एथर आउ एथर आउ एथर मुझ कौन करी एलसीएम नहींजी तमें यार एलसीएम के शहे आउ पाँच एलसीएम हो सिंपल आम शहे मानिकी ही नवा ठीक अच्छे तार शहे मानिकी ही नवा तो ये मुझे लिखि देते शहे ना ये ना ये आम शहे ना ना शहे ना ना ये कारण से जो शहे यूनिट्र जो कि किसी शहे यूनिट्र कि ये शहे यूनिट्र कि से बिक्री करते जी कि बिक्री करें से के बिक्री कर 200 यूनिट्र से बिक्री कर तो ठीक अच्छे तो आम एटी कौन करदेबा ना ये आम काटिदे यहाँ शहे शहे कटिज के पचास ये बढ़ पचास तमें आसो तमें शहे शहे काटिदे ये कौन अशी आसवे आम काटिद पाँच छो कोड़े शून हो चालीस चार बार यहाँ के शहे कोड़े आसवर तमें से एटी कौन करना से पचास प्रथम तार कॉस्ट प्राइस तमें पचास आसी सेकेंड तमें कॉस्ट प्राइस के आसी ना अशी आसी तो यहाँ को आम कौन करदे ना जोड़ीदे तमें आठ अशी आ पचास को जब आम जोड़ीदे केते हे अशी आ पचास तो जोड़ीदे शहे तीस आसो शहे तीस तो शहे तीस से किणिकी से केते रे से बिक्री करुच्ची ना शहे कोड़े रे से बिक्री करुच्ची शहे तीस रे किणिकी मुझ साइड टिके काटी दूसरी यहाँ टिके तमें बेस भर्ती हो जाए तो मैं ये मुझे लिखीदे सिंपल ये मुझे लिखीदे तार कौन के किसी कौन करा कौन हो प्रथम आम के बाहर पचास तापर के बाहर अशी अशी तमें यहाँ को जोड़ीदे के शहे तीस तमें से शहे तीस तार मैंने कॉस्ट प्राइस शहे तीस कितु तो सेलिंग प्राइस के सेलिंग प्राइस तार एटी अच्छे ना सेलिंग प्राइस तमें शहे कोड़े होता शहे कोड़े आसाला ठीक अच्छे तो यार डिफरेन्स टेटार डिफरेन्स टी हूँ तमें दस तमें शहे शहे तीस किणी शहे कोड़े तमें बिक्री करूला तमें से कौन कहला तार एटी कौन होता ना क्षति होता ना के क्षति होता ना शहे तीस दस रति होता प्रतिशत के प्रतिशत आम हंड्रेड देदे तो यहाँ मुझ सैड्र मैं यहाँ इरेज करदे सैड्र इरेज करदे बुझेपाई सुविधा हाँ तो ये कौन होना यहाँ मत मुझे सब इरेज कर।
इरेज कर दूँ ये भल भाव लिखिदे 130 तार क्षति होता ना 10 तमें क्षति होता प्रतिशत कहीं 100 देदेव तो यहाँ मुझे दूँ सैड्र इरेज करपर यटा को जब आम सल्व करवा शून्य शून तमें कटिज वन डिवाइड बै 13 होती ये गुणी देवा 100 100 डिवाइडेड बै 13 को जब तमें भाग देदे तेल आमर के 7 प्लस होते 9 डिवाइड बै 13 प्रतिशत यहाँ होमर आंसर आमर बाहरी आस तो यहाँ होप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर तो आशा करुच्छे ये क्वेश्चन टी आपने भल भाव बुझीपारे जदि मोर ये गुड़ा मुझे कनसेप्ट देटा गुड़ी आप भल भाव बुझीपारे तेल निश्चय भिडियोटी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करे ये मुझ मो भिड को समाप्त करुच्ची। जय हिंद जय भारत।